क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना और जायदाद बनाना है? और अगर है तो हमारे वालदैन ये सब कुछ क्यों छोड़ा है? भूले नहीं क्यों कुर्बानियां दी जान की, माल की, जॉब्स की, कैरियर्स की, अपने प्यार करने वाले रिश्तों की, अजीजों करीब की? किसके लिए कभी सोचा? सदियों कौमें हाथ उठा उठा कर दुआएं मांगती हैं कि उनको आजादी मिले, फिर भी बहुत सारी कौमें इस नेमत से महरूम रहती हैं। मैं और आप वो खुशनसीब लोग हैं जिनको यह आजादी वरसे में मिली। मैंने तो इसके लिए कुछ नहीं किया। रह गर्म लहू ये शाम सहर अभी करना है हमें आगे सफर। मैंने इस मुल्क को क्या दिया? इस मुल्क ने मुझे पनाह दी, मुझे पाला, मुझे इज्जत दी, मुझे शोहरत दी। मैंने इस मुल्क को क्या दिया कभी सोचा? हमें आगे सफर माजी के मुसाफत भूले नहीं। आजादी मिलना बहुत बड़ी कामयाबी है। आजादी को बरकरार रखना, इज्जत के साथ इसको कायम दायम रखना, ये किसी भी कौम के लिए बहुत बड़ा इम्तहान होता है। क्या हम इस इम्तहान में पूरा उतर सकेंगे? कहीं हम अपने फायदे के लिए इस मुल्क की आजादी को दांव पर तो नहीं लगाएंगे? क्या पाकिस्तान ने हमें एक माँ की तरह नहीं पाला? अमीर गरीब, सात पात, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, सबको पाला, सबको पनाह दी। क्या किसी इंसान की गैरत गवारा करती है कि वो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने लुटता हुआ और बर्बाद होता हुआ देख सके? भूले नहीं हमको शहादत भूले नहीं। दोस्तों, मुल्क से मोहब्बत वही कर सकता है जो ये जानता है कि उसके बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां दी। दुख झेल चुके, सुख बांट चुके, जो वक्त कड़ा था काट चुके। दुख झेल चुके, सुख बांट चुके, जो वक्त कड़ा था काट चुके, अपनों की रफाकत भूले नहीं। आइए मिलते हैं उन बुजुर्गों से जिन्होंने पाकिस्तान को बसाया, पाकिस्तान को अपनाया, इस शनाख्त को अपनाया फख्र के साथ। क्या आपको और मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है जिस तरह के इनको है? आइए देखते हैं मैंने पाकिस्तान बनते देखा। की मोहब्बत भूले नहीं, भूले नहीं, भूले नहीं।